नमस्कार प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी की कृपा से आज हम आप लोगों के लिए एसिडिटी, जो कि बहुत ही घातक रोग है और उसके कारण गैस भी हो जाती है और सिर में चक्कर आना, माइग्रेन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मात्र 15 दिन में अपने शरीर के अंदर एसिडिटी को कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले तो एसिडिटी पेशेंट को, जिसको एसिडिटी है, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, उसका जो भोजन होगा, तैली पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है, तेल मसाला बिल्कुल उसे छोड़ देना है, और फास्ट फूड, जंक फूड, और जो पचने में हार्ड है, जैसे मांस मछली है, दाल है, उड़द की दाल है, जो भी दाल है, सब पचने में हार्ड होती हैं और एसिडिक होती हैं, इसलिए दाल भी नहीं खाना है। और हरी साग सब्जी का ज़्यादा व्यवहार करना है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक सबसे दूर रहना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो ब्लड है, मेरे ब्लड में एसिड की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, ब्लड हमारा अम्ली हो गया है, धीरे धीरे वो क्षारी होगा। और उसके बाद भोजन को भी कंट्रोल करना है, एसिडिटी पेशेंट को कभी भी एक साथ ज़्यादा भोजन नहीं करना है। एक साथ भूख लगने पर अगर ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो हानिकारक है। तो नाश्ता में क्या करेंगे, नाश्ता में सबसे अच्छा है कोई रसदार खट्टा या मीठा फल खा लेंगे, और उसके बाद दोपहर में पुराने भात का, पुराने चावल का भात, अगर पुराना चावल मिल जाता है तो पुराने चावल का भात और हरी सब्जी या साग का झोल, ये बहुत ही उपयोगी है एसिडिटी के लिए। और रात में रोटी सब्जी या दलिया अच्छा है। दिन में कई बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, एक साथ ज़्यादा न खाएं, एक साथ ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि एक साथ जब ज़्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं। और एसिडिटी पेशेंट को होता क्या है, कई बार लोभवश भोजन सामने आ जाता है तो एक साथ ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये काफ़ी घातक हो जाता है एसिडिटी पेशेंट के लिए। तो भोजन एक साथ कई बार करना है और हरी साग सब्जी का व्यवहार ज़्यादा करना है, तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना है। साग सब्जी में सबसे बढ़िया तो आपका लौकी पपीता ये सब्जी हो गया, साग में हरा साग, पालक हो गया, बथुआ हो गया, जो भी उपलब्ध हो उसको खाना है, और खूब चबा चबा करके खाना है। जिन्हें कब्ज है वो रात में त्रिफला लेंगे गर्म पानी से सोने के पहले, और उसके बाद सुबह भी खाली पेट त्रिफला लेंगे, जिससे कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कब्ज के कारण भी एसिडिटी होता है। और चिकित्सा है कि मट्ठा, दही का घोल, दही को बढ़िया से मथ लेंगे और उसका जो क्रीम है उसको निकाल लेंगे, तब हो जाता है मट्ठा, छाछ या दही का घोल। उसमें जीरा और अजवाइन भूंज के पीस के उसमें मिला देंगे, काला नमक मिला लेंगे, इसको दिन में 2-3 बार पियेंगे, एसिडिटी को बहुत तेजी से कंट्रोल करता है, एसिडिटी भी गैस भी, और उसी के कारण सिर दर्द होता है, सिर में चक्कर आता है, माइग्रेन भी हो जाता है, ये सब सारी बीमारी एसिडिटी के कारण होता है। एसिडिटी कंट्रोल, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद नारियल से बने हुए पदार्थ, नारियल पानी भी, और नारियल का बुरादा और सौंफ को दिन में 2-3 बार चबा चबा करके खाना, भोजन के बाद भी खा सकते हैं और भोजन के पहले 2-3 बार कभी भी उसे ले सकते हैं चबा चबा करके। और उसके बाद जीरा, 2 चम्मच जीरा को रात में भिगो देना है, सुबह
1 लीटर पानी में उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उस पानी को ठंडा कर लेना है और उस 1 लीटर पानी को दिन में धीरे धीरे कई बार में उसे पी जाना है। इससे एसिडिटी आपकी मात्र 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगी। और एलोवेरा, एलोवेरा यदि घर में उपलब्ध है तो एलोवेरा की एक टहनी को काट लेना है, उसे उल्टा थोड़ी देर खड़ा कर देना है, क्योंकि उसमें पीला पीला एक एंजाइम्स निकलेगा, वो निकल जाएगा क्योंकि शरीर के लिए वो ठीक नहीं होता है। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा उसको काटेंगे, उसका छिलका उतार देंगे और गूदा को चबा के खा जाएंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे। अगर घर में उपलब्ध नहीं है तो मार्केट से ले लें, मार्केट वाला सुबह शाम व्यवहार करें। एलोवेरा भी एसिडिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और उसके बाद है लौकी का जूस। लौकी का जूस बहुत ही अल्कलाइन होता है, तो लौकी का जूस सुबह खाली पेट कम से कम आधा गिलास पीना है। दिन में भी पी सकते हैं, लगभग 3 बजे के करीब दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, या फिर सुबह खाली पेट 1 बार ही पिए, लेकिन दिन में कम से कम 1 बार जरूर पिए लौकी का जूस। लौकी का जूस आपका बहुत तेजी से अम्ल को, जो एसिड है, उसे कंट्रोल करेगा। यह हुआ चिकित्सा। अब उसके बाद कुछ शारीरिक व्यायाम है। शारीरिक व्यायाम है, एसिडिटी पेशेंट को खुली हवा में कुछ देर जरूर रहना चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करेंगे, खूब तेजी से झटके के साथ चलेंगे, और इवनिंग वॉक भी करेंगे बहुत अच्छे। इतना करेंगे तो आपका एसिडिटी लगभग 15 दिन में आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। एसिडिटी, गैस और उसके कारण जो सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, सिर में चक्कर आता है, माइग्रेन हो जाता है, सब कुछ मात्र 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। केवल 15 दिन आपको भोजन को कंट्रोल रखना है और पूरे परहेज के साथ रहना है। और 15 दिन बाद भी जब आपका एसिडिटी पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद भी फिर नहीं कि फिर आप उल्टा सीधा भोजन करने लगें। आदमी बीमार इसलिए होता है कि वह यौगिक लाइफ स्टाइल में जीना नहीं सीखता है। यदि वह नेचर के साथ रहेगा, यौगिक लाइफ स्टाइल में जिएगा, तो कभी बीमार नहीं होगा। तो अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि हम कभी जीवन में बीमार ही ना हो। सारे रोग 99% रोग पेट से ही होते हैं, और एसिडिटी की बढ़ी हुई अवस्था में फिर और भी कई सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार।